वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस आज संडे है एंड सिर्फ नाम का ही संडे है क्योंकि सुबह सिर्फ बारिश हो रही है। सोमवार से लेकर शनिवार तक की फुल कड़क धूप एंड संडे होते ही बारिश स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। सो खैर तुम्हें भी पता है अरबईन का महीना चालू हो गया है एंड करीबन 2 या 3 हफ्ते से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक वीडियो पर रिएक्शन करना है जो कि है नजफ टू करबला वॉक। ये फुल डॉक्यूमेंट्री है एंड मैंने कहा था मैं 40वें दिन पर रिएक्शन करूंगा जो अरबाइन का 40वां दिन होता है। आई थिंक 7 अक्टूबर को है इस बार, तो मैंने कहा था उस दिन रिएक्शन करूंगा लेकिन लोगों ने कहा भाई कि महीना स्टार्ट हो गया आप रिएक्शन कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा रिएक्शन कर देते हैं। तो ये एक वॉक होता है नजफ से लेके करबला तक का जो कि ईरान में है। नजफ भी ईरान में है एंड करबला भी ईरान में, तुम्हें पता है। तो करीबन 86 किलोमीटर का सफ़र होता है ये जो कि वहाँ के लोग तय करते हैं। वहाँ के नहीं यार, मतलब पूरे देश के जितने भी लोग होते हैं कोने कोने से लोग आते हैं एंड नजब से लेके करबला तक का सफ़र तय करते हैं। बहुत बड़ा एक गैदरिंग है, मैंने सुना है बहुत लोग जमा होते हैं वहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। सो बहुत रिक्वेस्ट आई इसलिए मैंने कहा रिएक्शन करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बहुत बड़ी वीडियो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को। सो लेट्स गो एंड चेक। आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, पता नहीं क्यों यार, लेकिन बहुत। ये सच है कि सफर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो हमें दर्स देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। सफर मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काजमैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफर। इनमें से कुछ सफर को फिल्म बंद किया जा सकता है, कुछ को नहीं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इनमें से कुछ शहर अपने साथ ले जाऊं। डॉक्यूमेंट और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखा। जो मैंने वहां महसूस किया उसका एहसास तो शायद इस वीडियो के जरिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंच। फोटोग्राफी बड़ी अच्छी है यार, लेकिन प्रोडक्शन बड़ा प्यारा है। गिटार प्लेइंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे नजफ से करबला तक, वो भी पैदल। उन करोड़ों जायरीन के हमराह जो इस सफर को हर साल अरबईन पर पैदल तय करते हैं। ये कोई मामूली सफरनामा नहीं, और ना ही वो सफर कोई मामूली सफर है, बल्कि वो लोग भी मामूली नहीं हो सकते जो सफर पर जाने की सआदत हासिल करते। इसलिए तो इन खास मुसाफरों के लिए इतने सारे लोग हर वक्त हाजिर खिदमत रहते हैं। ये मुसाफिर ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये सफर सफरे अरबईन है जिसमें ये
जाय नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। ओहो, 80 किलोमीटर पैदल, 86 किलोमीटर में। सफर लंबा जरूर है, लेकिन इस सफर पर मुश्किल का जरा भी एहसास नहीं होता। अरबाइन के मौके पर 2 करोड़ से जायद जायर इराक आते हैं। पिछले साल तक तो इन जायरीन के लिए वीजा लेना भी जरूरी नहीं होता था, और वीजा एयरपोर्ट पर ही जायर को दे दिया जाता था। आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफर का इंतजाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं। मैं खुद इस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था कि ये खिदमत गुजार कौम इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक जिन्हें अल्लाह ने अपने सैयदुश्शोहदा के जायरीन की खिदमत की ड्यूटी पर लगाया। नजफ से करबला तक के अरबाइन के सफर में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान खवातीन मर्द सारे हिस्सा लेते हैं। ये सफर नजफ अशरफ में मौला अली शेर खुदा अलैह सलाम के रोजे से शुरू होता है और करबलाए मौला में उनके बेटे इमाम हुसैन अलैह सलाम और मौला अब्बास अलैह सलाम के रोजे पर खत्म होता है। नजफ में मौला अली को सलाम पेश करके जायर अपने सफर का आगाज करते हैं और अरबईन के दिन को 2 करोड़ से ज्यादा जायर करबला में शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। दुनिया भर से करबला पहुंचने वाले इमाम के जायर वहां पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अरबईन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हर रंग व नस्ल के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक यहां शोदाए करबला से इजारे चाहत करते हैं। सभी के अपने तरीके हो गया। हर आंख उनकी याद में अश्कबार होती और उनके गम से हर दिल फटा जाता है। अरबईन पर करबला में हर किसी का गिरिया करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सारे अपने मौला हुसैन मौला अब्बास तमाम शोदा करबला को यहां हाजिर होकर तहज़ीब पेश करते हैं। लेकिन करबला में हाजिरी देने से पहले अक्सर जायर नजफ से एक लंबा सफर पैदल तय करते हैं। 3 से 4 दिन के सफर में जायरीन की खिदमत करने के लिए वहां हजारों की तादाद में खादिम पूरे रास्ते में हाजिर हो जाते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी जायर को छोटी से छोटी परेशानी का सामना। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त।
और अगर कोई थकावट या परेशानी हो भी जाए तो वो उस परेशानी में अपने आप को अकेला ना महसूस करे। कोई थककर आराम करना चाहता है तो सारे रास्ते में जितने भी घर हैं वो सब के सब खोल दिए जाते हैं और उनके मकीन जायरीन के खादिम बन जाते हैं। इन घरों में बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं ताकि जायर की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। नाश्ता, चाय, बिस्तर, कंबल, यहां तक के जायरीन के मोबाइल चार्ज करने के लिए भी खसूसी इंतजाम किए जाते हैं जायरीन की खिदमत करके। उन खादमों के चेहरों पर जो इत्मीनान नजर आता है वो देखने वाला होता है। यहां कोई नहीं पूछता कि तुम किस मजहब या किस मसलक से। क्या बात, मैं भी आना चाहूंगा। यहां जो भी जायर आता है वो मोहतरम है और हर जायर को यहां पलकों पर बिठाया जाता है। अगर किसी को इत्तेहाद देखना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होता देखना हो तो वो अरबईन पर इस पैदल सफर में हिस्सा लेकर देख सकता है। ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया कि जहां बिला तफरीक हर मुसलमान का बल्कि हर इंसान का इतना एहतराम होता हो उस इस्लाम में तफरीक नामुमकिन है। यहां के मनाजिर देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम में तफरीक और तकफीर सिर्फ बैरूनी साजिशों का नतीजा है, वरना मुसलमानों में जितना एहतराम एक दूसरे का है और कहीं। इट्स ट्रू मैन, इट्स ट्रू। सारे रास्ते में जायरीन को अपने घरों में जगह देना, उन्हें रास्ते में खाना, पानी, चाय, कॉफी, शरबत और यहां तक के टिश्यू पेपर तक मुहैया करना, जायरीन के आराम के लिए अपने घरों को खोल देने वाली इस कौम को सलाम पेश करता हूं। यार, बूढ़े से बूढ़े लोग सब जा रहे हैं। जिसके पास जायरीन को देने के लिए ना घर है, ना खाना और ना ही कुछ और, वो भी खिदमत में लगा रहता है। कभी जायरीन के पांव की मालिश करके तो कभी जायरीन की हौसला अफजाई करके। खिदमत गुजार जायर की खिदमत करने के लिए इस तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे उन्हें इस खिदमत के बदले कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और जायरीन से ये कभी एक पैसा नहीं लेते। अगर कोई पैसे देना चाहे तो उससे नाराज भी होते, कहते हैं कि आप हमें इस अजीम सवाब से क्यों महरूम करना चाहते हैं। जितनी इज्जत बिला तफरीक यहां जायर हुसैन की हो उतनी इज्जत तो शायद किसी बादशाह की भी नहीं हुई होगी। इज्जत देने की इंतहा तो यह है कि लोग जायर इमाम के पांव की खाक
अपने चेहरों पर मलते हैं, सरों पर डालते हैं और इस खाक को अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। पैर की धूल को वो मैंने देखा कि लोग बड़ी आजीजी से ज़ारे हुसैन और ज़ारे अब्बास की खिदमत करते हैं। एक वीडियो फुटेज देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि एक बाप जमीन पर घुटनों के बल खड़े होकर ज़ायरीन को बड़ी आजीजी के साथ खजूरें बांट रहा है, वो भी अपनी बेटी के साथ मिलकर। ये शख्स जैसे इल्तिजा कर रहा हो कि मुझे अपनी खिदमत का शर्फ बख्शे। अल्लाह हू अकबर। फुल मग्न है यार लोग, फुल मग्न। रास्ते भर या जायर या जायर की इल्तिजा भरी सदाएं फिजा में गूंजती हैं। हर जगह खादे में जायर हुसैन जायरीन से यही इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं। ए जायर हमसे कुछ ले लें, ए जायर हमसे कुछ ले लें, हमें भी मौका दे दे, कुछ खा लें, कुछ पी लें, थोड़ा थोड़ा आराम कर लें हमारे। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम ज़ियारत पर जा रहे हो, अगर तुम हमसे थोड़ा सा भी राजी हो गए तो क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हो। इतनी इज्जत तो है तराम, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो एक शायर है, उस मसलूम इमाम का जिन्हें उस बयाबान में प्यासा शहीद कर दिया गया। ये इज्जत नवासे रसूल की है, गाजी अब्बास अलम बरदार की है, उन करबला के शोहदा की है। उनके मानने वालों की है, उनके चाहने वालों की है। इस अजीम सफर को देखने के बाद आए हम आज ये हजम कर लें कि हम आपस में इसी तरह एक दूसरे का एहतराम करें, क्योंकि हम सारे ही रसूल और नवासे रसूल के मानने वाले हैं। तय कर लें कि हम दरगुजर से काम लेंगे और खूब खिदमत करेंगे उम्मत की, और इस खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
एग्जिट। रोडो बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार, कितना टाइम हुआ? 20 मिनट ज्यादा हो गया यार, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल, मतलब वीडियो खत्म हो गया। इट्स वेरी पाक, पवित्र कहना पड़ेगा। एंड जो जाहिरीन होते हैं, जो वहाँ पे सफ़र तय करने वाले होते हैं, उन्हीं को कहते हैं जायर्स, जाहिरीन। एंड यस, कहना पड़ेगा यार, मतलब आजकल की दुनिया अगर तुम देखोगे तो हर जगह बस कंपटीशन है, जिसे कहते हैं ना जलने वाले लोग, उससे हटकर यार इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना जायरीन लोग की खातिरदारी, वो भी रस्ते में चलते हुए जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कि आप हमारे घर में आके रहो, अगर आप थक गए तो हमारे घर में थोड़ा आराम कर लो, हमारे पास से कुछ खाने को ले लो, जो आपको लगता हो सब ले लो। मतलब यार मैं तो सोच भी नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, मतलब कभी, या सफ़र मैंने बहुत जगह देखे है, सफ़र मैंने हर जगह देखे, सफ़र इधर भी होते हैं, हमारे इधर भी सफ़र होते हैं, मंदिरों के सफ़र होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के सफ़र होते हैं, बट उस जगह पर आई डोंट थिंक यार, मतलब लोग कोई, मतलब कि भाई अपने पास का कोई खाना मतलब किसी को ज़बरदस्ती खिलाएगा, आई कांट बिलीव, बिना पैसे लिए, वो भी फुल इतने हाई है एक्सपेंसिव चीज़ें होंगे वहाँ पे, वो खुलेआम दे रहे हैं कि भाई आप बस हमारे पास से लेके जाइए, आप बस हमारे पास से मतलब चीज़ें लीजिए। बहुत सही यार, बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली वीडियो बहुत प्यारी थी। एंड द स्पीकर, जो मेन जो एंकर जिसे कहेंगे यार, वो बहुत स्पेशल, बहुत ज़बरदस्त, आई डोंट नो नाम क्या है उनका, लेकिन यस वीडियो बहुत प्यारी थी, वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे मतलब मैं इस तरह की वीडियो मुझे बहुत पसंद आती है, जो स्पेशली थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप हो एंड लिटल बिट थोड़ा व्लॉगिंग टाइप हो, थोड़ा व्लॉगिंग टाइप हो, एंड स्पेशली कुछ फूड्स वगैरह ये मुझे दिख गए, जब से लेके करबला तक का सफ़र होता है, जो लोग होते हैं अपने अपने देश से, चाहे फिर इंडिया से हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान से, फिर किसी भी देश की कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन के, वो पहले नज़र जाते हैं थ्रू एयर, जो एयरप्लेन होता है ना उसके थ्रू जाते हैं, एंड वहाँ पहुँचते हैं, देन उसके बाद वो नज़र से करबला तक का सफ़र तय करते हैं पैदल चलते हुए 86 किलोमीटर का पिलग्रिमेज। एंड मुझे मतलब पहले पता नहीं था कि 86 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, मुझे पहले 80 बताया गया था किसी ने, बट नहीं, इस वीडियो में समझ गया कि 86 किलोमीटर का सफ़र है। एंड यस, इट्स अ ग्रेट वीडियो, ग्रेट ग्रेट वीडियो, ग्रेट वीडियो यार, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ था इस वीडियो के अंदर में, इमोशनल पल्स थे, मतलब जो अपन सफ़र तय करते वक्त जिसे कहते हैं कि जो खुशी होती है, कठिनाइयाँ होती है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर में था, एवरीथिंग इज इन दैट वीडियो, एवरीथिंग फुल पैकेज जिसे कह सकते हैं। यस, सिर्फ भाई ने मतलब कह सकते हैं बैठे बैठे, मतलब यस मुझे पता है वो गए थे वहाँ पे, लेकिन जब अपने को प्रेजेंट कराया बैठे बैठे, वो बहुत बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, बहुत पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई। आई होप ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो जाके, प्लीज़ देखिए इनके वीडियो को। एंड आई डोंट नो इस बार कैसा होगा, बिकॉज इस बार तो बहुत पैंडेमिक वाला सीन चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, डर लगता है कि यार बहुत, जैसे कहते हैं एक पैंडमिक का टाइम है और बहुत भीड़ होगी, तो एक कोरोना वाला सीन ना हो जाए। फिलहाल देखते हैं यार, अभी जो भी होगा, इसके बाद अगर कोई वीडियो आता है तो प्लीज़ मैं रिएक्शन करूँगा इनके रिलेटेड। एंड प्लीज़ यार गाइस, जो अगर पाकिस्तान का कुछ और मतलब कंटेंट है, फूड है, व्लॉगिंग है, सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी मुझे कमेंट करो, लिंक दो वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए, बिकॉज बहुत 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 नोहा, बहुत नोहा हो रहा है ना, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा करोगे तो भाई कितना भी अच्छा हो, थोड़ा बहुत इंसान तो हल्का सा बोर होता ही है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है नोहा, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं ना, थोड़ा सा फूड दो, व्लॉगिंग मतलब फूड मांगने का, थोड़ा फूड के रिलेटेड वीडियो दो, थोड़ा व्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो दो, थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट के, म्यूज़िक तो हराम है तुम कहते हो तो मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, बट इसके अलावा और कुछ दो। सो या दैट्स इट फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, आई होप तुम लोगों ने इन्जॉय किया होगा वीडियो को, एंड पसंद आएगा तुम लोग को वीडियो, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी प्रकार से प्यार दिखाते रहो यार, 5K के करीब, 5K फटाफट करवा दो, और कुछ नहीं, बस नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो मिलते हैं।